पावन स्थली को प्रणाम करते हुए आइए भरत जी के संग चले। विघ्न बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, फिर भी संग संत का है, इसलिए पहुंच जाएंगे। करना मात्र इतना है कि वो जो खूंटे से रस्सियां बंधी हैं उसको छोड़कर नौका को खिया जाए। लेकिन रामचरितमानस देखने से लगता है कि कभी कभी लोग नौका की रस्सी तो छोड़ देते हैं, पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि फिर तो नौका चलेगी ही, लेकिन खबर नहीं फिर चाह होती है पुनः चलो ना उसी तट पर, फिर चले जाए। न जाने कई बार जन्म जन्म की यात्रा में हम लोगों ने भी इन सभी रस्सियां छोड़ी होंगी, यात्रा भी की होगी, कोई परम के साथ कोई हमको लिए चला होगा। चढ़े विवेक जहाज, विवेक की नौका में बिठाकर कोई संत लिए चला होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं बाप कि जीव को फिर जहां से रस्सियां छूटी थी वहीं जाने का मन हो जाता है। प्रमाण रामचरितमानस। त्रेता युग की बनी सभी घटना सर्वकालिक है। जरो सो संपदि संपति सुख सुरगमा तु पितु भाई। फिर चलिए उस राज्य सभा में अयोध्या की, जिसमें मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गुरुदेव विवेक सागर महाराज वशिष्ठ जी हैं, ममता और स्नेह रस से भरी माताएं विराजित हैं, पूरी प्रजा परिषद मिली है। दशरथ जी के मृत्यु के बाद भरत जी आए, सब संस्कार हो गया। बड़ी विषम परिस्थिति थी राजनैतिक, क्या निर्णय किया जाए। उसी समय
जो बार बार मैं चर्चा करता रहा, निर्णय लिया गया कि हम सब राम के दर्शन पहले किए जाए। और जब भरत जी का ये प्रस्ताव आ गया कि पहले राम के पास जाएं, फिर प्रभु जो कहें, जो है पहले राम को समर्पित कर दें, प्रसाद बन जाएगा, फिर हम लौट कर बांटेंगे सबको। भोगने की मना नहीं भारत में, लेकिन शर्त मनीषियों की एक है, पहले ठाकुर को भोग लगा दो फिर पाओ। भरत जी कहते हैं मैं सत्ता स्वीकार कर लूं, लेकिन पहले राम को सत्ता का भोग लग जाए, फिर कहे कि जाओ तो मैं आऊंगा और सबको बांटूंगा। बस यही सीखना है हम सबको। लंका कांड में आप सब जानते हैं, रावण की सभा में अंगद आया और फिर अंगद ने जो सठ चरण सकस ममता सटारी फिरई राम सीता में अपने पैर रख दिया और कहा कि हे सठ, तेरी सभा में मेरा कोई चरण उठा पाए तो मैं सीता को हार जाऊं। बहुत सी चैलेंज वहां हुई है। एक प्रसंग आप सबसे परिचित हैं कि अंगद ने अपना हाथ धरती पर पछाड़ा, जब ते किन राम की निंदा क्रोधवंत तब भयो कपी। हरिहर निंदा सुनई जकाना, इस न्याय से सह नहीं पाया राम भक्त अंगद और अपने भुजदंड पछाड़े तो पूरी सभा हिल गई, सब गिरे, रावण भी गिरा। गोस्वामी जी कहते हैं रावण के दसों मुकुट गिर गए, सत्ता की छीना झपटी जिस आजकल होती है ना, वैसी उस समय भी हुई। कौन ले ले, कौन ले ले। रावण ने झपट की 6 मुकुट ले लिए, अंगद ने झपट की 4 ले लिए। आज का ही मामला। और रावण ने 6 लेकर के अपने सिर पर पहने भी। अब सोच में पहले भी कहा करता, अब सोचिए मस्तक 10 और मुकुट 6। या तो सब मुकुट खुले हो तो आदमी ठीक लगता है, या तो सभी मुकुट पर, मस्तक पर मुकुट हो तो जरा भद्दा लगता है, ठीक अच्छा लगता है, भद्र लगता है। ये तो बिल्कुल विचित्र है। 10 मस्तक पर 6 मुकुट पहना, एक फिर एक खाली, फिर दूसरा, फिर एक खाली, फिर तीसरा, फिर कहीं 2 ऐसे पहन ले, बिल्कुल बेतुका लगता। लेकिन वहां कोई हंस तो नहीं सकते क्योंकि सभा उनकी है। और बड़ी विचित्र घटना ये हुई कि जब 6 मुकुट पहना तब सबके सामने वो देखने लगा कि लोग मुझे सराहते क्यों नहीं। अपने एक निजी सचिव को पूछा रावण ने कि मैंने ये 6 मुकुट पहन लिए, तुम लोगों को कुछ धन्यवाद, वाह वाह, धन्य हो, जय जय हो, ऐसा कुछ कहने को जी नहीं चाहता क्या? बोले मालिक, समझ में नहीं आता किस मुद्दे पर जय जयकार करें, आप गिरे उस पर, ये जो भागदौड़ हुई उस पर, 6 तुमने लिए, 4 उन्होंने लिए, इस पर कि आपने 6 सर पर रखे उस पर, किस बात? बोले मेरे पांडित्य पर, मैं पंडित हूं। पूछा कि महाराज माफ करना, कुछ हमारी समझ में नहीं आता इसलिए हम चुप रहे। बोले नहीं, मेरे पांडित्य पर आपको हंसना चाहिए, क्योंकि अर्ध तज ही बुद्ध सर्वस्व चाहता। पंडित वो है
जो पूरा लूटा जाए और आधा बचा ले वो पंडित है। मैंने आधा नहीं, कम से कम एक ज्यादा बचा रखा है। पांच बचाता तो भी मैं पंडित कहलाता, मैंने तो छह बचा लिए। लेकिन वो ही चार मुकुट अंगद रख सकता था, बारी बारी से पैर सकता था, सोमवार को एक, मंगलवार को दूसरा, बुधवार को तीसरा, गुरुवार को चौथा, फिर शुक्रवार को पहला, शनि को दूसरा, पैर सकता था ना, पहन सकता था, कोई चिंता नहीं। लेकिन अंगद ने सोचा कि जो मुकुट रावण के सिर पर सलामत नहीं, वो बंदर के सिर पर कब तक सलामत हो सकता है। इतना बड़ा शक्ति संपन्न दशानन, एक बंदर के मुक्के पर वो सत्ता नीचे गिर गई। तो ये बंदर तो जात जन्म जात चंचल, उछल कूद हमारा वो है, कब तक ये रहेगा। तो फिर सोचा वापस लौटा दे, बोले नहीं, मिली है अपने हाथों से, पुरुषार्थ से मिला है, कोई ऐसे ही नहीं चुरा ली है, अपने हाथों से अपने पुरुषार्थ से पाया है, तो क्या करे। बोले सोचा यही सत्ता का भोग रघुनाथ जी के चरणों में लगा दिया जाए, और चारों मुकुट प्रभु के पास फेंक दिए। इस कथा से आप परिचित हैं। भरत जी कहते हैं सत्ता तभी सार्थक है जब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी जाए, फिर प्रसाद के रूप में हम बांटेंगे। अरे भाई राज्य गादी का जो होना हो, लेकिन लोग भरत जी के इस प्रस्ताव पर बहुत प्रसन्न हो गए। कहगी परस्पर भाबड़ काजू, एक दूसरे गले मिलने लगे, बात करने लगे, बहुत बड़ा कार्य हो गया, बहुत अच्छा कार्य हो गया। राम के दर्शन होंगे, चलना है, खुशी से भरे न समाए लोग। कोई कहता है आप घर रह जाइए, तो उसको लगता है मानो गर्दन मारी किसी ने, कौन जग जीवन का लाभ न चाहे। और उसी समय ये पाठ आया है, लोग बोलने लगे अयोध्या के, सब खूंटिया छोड़ी इन लोगों ने। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सुरुद मातु पितु भाई। देखो कितनी खूंटिया रस्सियां छोड़ दी इन लोगों ने, अद्भुत काम कर दिया। संपत्ति जल जाओ तब तक तो ठीक है, हमारी जितनी समृद्धि हो जल जाओ, लोग कहने लगे, समृद्धि की खूंटी छूट जाओ, सदन जल जाओ, हमारे प्रासाद हमारे मकान भस्म हो जाओ, हमारे सुहृद मित्र जल जाओ। लेकिन हद कर दी, मां तू पितु भाई, मां मर जाओ, बाप जल जाओ, भाई मर जाओ, कितनी खूंटियां छोड़ी है, बड़ा त्याग है, बड़ी महिमा है इन लोगों की। यदि भरत के संग विवेक जहाज में बैठकर चित्रकूट जाना है तो छूटे ये सब खूंटियां, ये कोई काम में आने वाले नहीं, छोड़ो इनको। लेकिन ये जो खूंटियां रस्सियां छूटी है ना, वो थोड़ी लागणी थोड़ा आवेश इससे छूटी है। वैसे हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है कि सब गलत है गलत है, शंकराचार्य भगवान बोले जगन मिथ्या और हम बोले इसमें कितना फर्क है। रावण भी तो बोलता था यही सूत्र, रावण बोलता था। अरे पुराणों में जाते हैं तो सबसे पहले तो हिरण्यकशिपु बोला है जगत मिथ्या है, ऊपर चले जाए बिल्कुल सतयुग तक, तो इस जगत भ्रांति है, ये सब नष्ट कुछ है ही नहीं, वो बोला था। और फिर त्रेता युग में आइए तो रावण बोला नश्वर रूप जगत सब, रावण बोलता है यही ब्रह्म सत्यम वाली बात है, रावण करता, कोई मूल्य नहीं इस वाक्य का रावण के मुख में। और वो ही कंस बोलता है वसुदेव के सामने, अरे इतने बच्चे मरे, ये हुए जो हुआ, ये जगत तो ऐसा ही, सब बोलते हैं, इनके मुख में शोभास्पद नहीं है। जब शंकराचार्य बोलते हैं तब खील उठता है, जब मेरा महादेव बोलता है सत हरि भजन जगत सब, बाकी तो रावण भी बोलता है नश्वर जगत है,
किसके लिए रोते हो, छोड़ो ये सब। कभी कभी आवेश में, कभी कभी लागणी के आधार पर, कुछ समय की संवेदना के कारण सब छोड़ने की वो हो जाती है कि चलो चले चित्रकूट, प्रेम पाले, उस परम प्रेम की स्थिति का अनुभव कर ले, और उस प्रेम मिल जाए तो प्रेम से प्रभु प्रकट हो जाए। जिस चर्चा इन कथा में हम कर रहे, प्रभु कैसे मिले, प्रभु कब मिले, प्रभु कहाँ मिले और प्रभु किसको मिले, चारों प्रश्न जो प्रथम दिन से उठाए हैं, इनका एकमात्र जवाब है प्रभु प्रेमी को मिले, प्रभु प्रेम से मिले, प्रभु प्रेम में सराबोर होवे तब मिले। जाके हृदय भगति जस प्री, प्रभु तह प्रगट सदा तेरी थी। तो वो प्रेम एकमात्र जवाब है इस कथा के लिए। जवाब बहुत है, प्रभु कैसे मिले इनके बहुत से मार्ग है, प्रभु किसको मिले बहुत नाम दे सकते हो, प्रभु कब मिले बहुत समय का विधान कर सकते हो शास्त्र आधार पर, लेकिन इस प्रेम पीठ की कथा में प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और लगता है ज्ञानी बहुत मिल जाता है, लेकिन प्रेम की तो कभी कभी कोई मिलता है। कोई एक पार भगति जी मोरी। तो कभी कभी आवेश में हम रस्सी छोड़ देते हैं। कई बार कथा सुनते सुनते, कथा बोलते बोलते भी लोगों को होता होगा कि ये सब मिथ्या है, सब बस इसी में ही आनंद है, लेकिन वो बात कब तक टिकती है। जगत शाश्वत नहीं है, वो रावण भी बोलता था, हिरण्यकशिपु भी, कंस भी, कोई मूल्य नहीं। आज अयोध्या के लोग कहते हैं जल जाओ सब, मां बाप जल जाओ, बिना मरे संस्कार हो जाओ उसका, सन्मुख हो राम पद, राम का दर्शन न हो तो कोई 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 इसका मूल्य नहीं। कहां तक ये लोग बोल गए। साधु धन्यवाद देने की इच्छा होती, लेकिन वो ही लोग चित्रकूट पहुंचे, बहुत सी सभाएं हुई, सुरमाया बस लोग बिमोहे, देवताओं ने माया की और वो माया आते ही सब लोग मोहित हो गए। चित्रकूट का प्रसंग आप जानते, देवताओं ने माया की, सब पर माया डाल दी। भय उचाट बस मन थिर नाही, भय उचाट बस मन थिर नाही, बन बन रुचि छन सदन सुहाई। भय और उचाट के वश हो गए माया के कारण, और क्षण में बन अच्छा लगता है, क्षण में सदन अच्छा। अरे वो मेरी माँ क्या करती होगी, मेरा बाप जो कह रहे थे जला दो सबको, ये सदन का क्या होगा, उसको तो अभी महीने के बाद कलर करना है, व्हाइट वॉश करना है, फला करना है, इतना सुधार करना है थोड़ा, ये सदन का क्या होगा। एक क्षण मन अच्छा लगता है,
एक क्षण घर अच्छा लगने लगता है, जब माया ने वो कर दिया। हमारी भी करीब करीब यही दशा है, बाबा वेश में कभी कभी छूट तो जाता है लेकिन फिर माया के विमोह के कारण क्षण में सदन अच्छा लगता है, क्षण में घर अच्छा लगता है। महात्माओं को छोड़कर हम सब सोचे ठीक है ना, ये बात ऐसा ही होता है ना कि आपको पक्का हो गया कि जगन मिथ्या, पक्का हो गया या? ठीक है, पक्का हो गया तो अच्छी बात है। मस्तों की टोली मिले हैं, सब पीकर बैठे हैं, मुझे आपके सामने वो दर्शन रखना था। कल की बात का अनुसंधान इसीलिए उठाया कि रस्सी छोड़ तो देते हैं कभी कभी, अच्छा लगता है। खूब हरि भजे, चित को चित्रकूट ही बना दे, कथा को मंदाकिनी बना दे, और बस बस सुभग स्नेह के सुभग वन में सदैव सीताराम के सिवा कोई न आए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। ऐसा होता है बस कथा ही ठीक है, प्रभु का स्मरण ही ठीक है, लेकिन फिर देव माया सुर माया विमोहित कर देती है। इतना प्रभाव नहीं कर सकती जितना औरों को कर देती है चित्रकूट पर, फिर भी कर देती है, और तब हमारी दुविध मनोगति हो जाती है। कभी घर अच्छा लगता है, कभी ये विभीषण, ये बंदर, ये भालू, ये सुग्रीव कितनी कितनी खूंटियां छोड़कर आए श्री अयोध्या। हाँ, लेकिन अयोध्या में रहकर प्रभु जान गए कि इन लोगों को 6 महीने में अपने घर की याद आने लगी, तो प्रभु ने सामने से सबको बुलाया, भेंट सौगात दी, सम्मान किया और कहा कि अब आप सब लौट जाइए। एक हनुमान के सिवा सबको लौटा दिया, क्योंकि हनुमान अनिकेत स्थिर मतीर भक्ति मान में प्रियो नरह। तो ये हम सबकी कथा है, सोचिए मेरे भाई बहन, प्रेम तो हम सबको चाहिए, बिना प्रेम प्रभु प्रगटेगा नहीं, प्रभु नहीं प्रगटेगा तब तक समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन ये दुविध मनोगति है हमारी, हम सबकी, ये कोई उपदेश नहीं, हम सब सोचे उसके बारे में। बैठे सुर सब करही विचार, पुनर्विचार करे जो मेरी व्यास गादी का निमंत्रण है, बैठ जाओ, बहुत दौड़े अब उस पर पुनर्विचार हो जाए कि असली बात क्या है, क्या करें। छूटता है लेकिन फिर याद आ जाती है। भगवान ने इसलिए अपने मित्रों को कह दिया जाइए। किसी ने तो पूछ भी लिया कि महाराज क्यों भेजते हो, बोले नहीं बस ऐसे ही, भगवान का इरादा था कि मेरे पास रहकर आपको घर की याद आए, इससे अच्छा है घर में रहकर आप मुझे याद करें। एक प्रश्न भी आज मेरे पास, बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन एक कुछ प्रश्न है कल के बारे में भी, कि कल कहा था कि प्रेम शीतल होता है, प्रेम उष्ण होता है। जो हमने कहा था ना कि खिड़कियां बंद हो तो ठंडक ठीक से लगती है, एयर कंडीशन मशीन चालू हो, खिड़कियां खुली हो तो शीतल नहीं होगा। इंद्रियों की खिड़कियां खुली हैं तब तक प्रेम की शीतलता अनुभव में नहीं आती, उष्णता अनुभव में नहीं आती। लेकिन अच्छा प्रश्न पूछा कि प्रेम को शीतल कब समझे और उष्ण कब समझे, सीधा सा जवाब अनुभव में लेना। संयोग में प्रेम शीतल होता है, वियोग में प्रेम उष्ण होता है। भरत जी को जब संयोग होता है
प्रभु का, तब तो नजर भी नहीं उठा पाते राम की ओर। एक शब्द नहीं, लेकिन जब वियोग होते हैं तो जा ही सने सुरा सब छाके, छक जाते हैं भरत जी, बिहबल बचन प्रेम बोल। ऐसी दशा है, वियोग में प्रेम उष्ण बन जाता है, संयोग में प्रेम शीतल हो जाता है। अथवा तो यूं भी कहो कि प्रेम का शीतल स्वरूप का नाम है करुणा। प्रेम का शीतल स्वरूप है करुणा। बुद्ध आदि महापुरुषों ने प्रेम शब्द का कम प्रयोग किया, करुणा का ज्यादा प्रयोग किया। उनके पास है प्रेम का शीतल रूप। तो जब संयोग होता है तब प्रेम शीतल होता है, वियोग में प्रेम उष्ण हो जाता है। कहते हैं संयोग में जब आंसू टपकने लगते हैं तो तुलना में ठंडे होते हैं, और विरह में टपकते हैं तो तुलना में गर्म होते हैं। यही है प्रवाह। ब्रजवासियों का प्रेम करीब करीब सदैव उष्ण रहा, क्योंकि उसको विरह में ज्यादा रहना पड़ा। तो व्यासगादी की दृष्टि में यही उत्तर बैठता है, संयोग देता है शीतलता, आदमी शांत हो जाता है पाकर। अग्नि धीरे 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 काष्ठ को भी जला देती है और फिर अग्नि भी शांत हो जाती है। वो है संयोगी प्रेम, और वियोगी प्रेम है उष्ण। शीतल और उष्ण प्रेम में एक और भी अंतर है। जिसके जीवन में शीतल प्रेम रूपी करुणा भरी है, वो दुखी मनुष्य को देखकर पिघल जाए, इतना ही नहीं दुखी पत्थर को देखकर भी पिघल जाए। शीतल प्रेम करुणा के रूप में जिसमें पड़ा है, वो किसी को दुखी देखकर पिघल जाए, वो तो करुणा का स्वभाव ही है, स्वाभाविक है। कोई पशु पक्षी, कोई गिरे हुए तिरस्कृत उपेक्षित अभागा अभावग्रस्त किसी को देखेगा दुखी को तो वो पिघल जाएगा। लेकिन ये तो चेतन सृष्टि हुई, लेकिन जड़ सृष्टि कोई पत्थर को देखेगा, यदि ये पत्थर दुखी है, अरे ये पत्थर कितना बेचारा दुर्भागी है, कहीं मंदिर में हुआ होता तो उसकी रौनक होती, लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। कोई मंदिर के सोपान पर लग गया होता सीढ़ी पर तो वैष्णव उन पर पैर रखते हैं। अरे जयपुर की खदान का होता तो उससे मूर्ति निर्माण हो जाती। बेचारा पड़ा है राह में तो ऐसे पत्थर को देखकर भी शीतल प्रेम द्रवित हो जाता है। ध्यान देना, प्रमाण गौतम नारी श्राप बस ऊपर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र बाबा ने अहल्या के पत्थर देह को दिखाया कि ये चट्टान पड़ी है, अब न आश्रम की रही
न कोई रास्ते की रही, न ये पत्थर हो गया, तिरस्कृत उपेक्षित त्याज्य। और इस पत्थर को देखकर भगवान को करुणा फूट गई। यह है शीतल प्रेम, वही करुणा। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगत भई तब पूज सही। अद्भुत घटना घटी, ये प्रमाण है। तो शीतल प्रेम को पत्थर का दुख देखते भी वो पिघल जाता है, लेकिन उष्ण प्रेम गजब होता है, जिसको देखकर स्वयं पत्थर पिघल जाता है, वो है भरत। जब ही राम कही ले ही उसास, राम राम बोलकर जब श्वास श्वास लेते हैं तो चारों ओर प्रेम प्रगटने लगते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं वज्र पिघलने लगता है और पत्थर पिघलने लगता है, वो है भरत प्रेम। राम प्रेम पत्थर को देखकर पिघल जाता है, भरत का प्रेम देखकर पत्थर पिघल जाता है। यह है शीतल और उष्ण प्रेम का अंतर। संयोग में शीतल प्रेम, वियोग में उष्ण प्रेम। वही प्रेम एक ही है, लेकिन रूप बदलते रहते हैं। उस तक पहुंच जाएं अच्छी बात है, पा जाएं अच्छी बात है, लेकिन जिसने पाया है उनके संग में यात्रा तो करो बाप। चढ़े विवेक जहाज, तो कभी कभी हम आवेश में, लागणी में कुछ विशेष उसमें आ जाते हैं। कई लोग मेरे पास भी आते हैं, लिखते हैं, बापू कथा सुनते हैं तो पढ़ाई की इच्छा नहीं होती है। कथा सुनते हैं तो लगता है शादी न करें, देव माया होने दो, जल्दी मत करो। कभी कभी आवेश में ये सब होता है। स्वयं साक्षात राम भद्र जहां विराजमान है, परम प्रेम पूर्ण दो भाई की दर्शन जहां हो रहा है 24 घंटों, ऐसी चित्रकूट स्थली में भी देव माया ने थोड़ा अपना असर कर दिया। भरत जनक मुनिजन साधु सचेत बिहाई आदि आदि को छोड़कर सब पर देव माया लगी थी, सबको पकड़ लिया था। सबसे पहले नाम लिखा है उसमें भरत, कुछ नहीं कर पाई भरत को, बाकी सबको देव माया ने जथा जोग पकड़ लिया, सबको अपने अपने ढंग से सब कर असर कर। हम सबकी यही दशा है, माया इस ढंग से मुश्किल में डाल देती है, फिर भी संत संग है तो तकलीफ नहीं रहती, कभी न कभी बन जाती है माया की ये रचना। तो ये प्रमाण है, कल की चर्चा, सब रस्सी छूट जाए सब कर ममता ताग बटोरी। अब उनकी भूल ये हुई कि यहां तो छूटा लेकिन यहां जुड़ा नहीं था। अवधवासियों की तकलीफ क्या हो गई, यहां से छूटी तो जरूर, लेकिन सुंदरकांड में जो बात सूत्रात्मक आई, सबकर ममता ताग बटोरी मम पद मनहु बांधहु मनहु बांध वर डोरी, वहां जो जोड़ने के वो चुक गए, इसलिए देवताओं की माया ने स्पर्श कर लिया। छोड़ने के बाद रस्सी को छूटी मत रखना, वरना खीला फिर खींचेगा, वो रस्सी वहां बांध जाए। लेकिन किसी महात्मा से मैंने सुना था ना कि भाई जो बहुत तूफानी पशु हो और उसकी रस्सी खिले से बांध ली जाए तो वो तूफान करके खिले को भी उखाड़ देता है,
तो क्या हो? बोले नहीं, ये तो रामचरण में बांधने की बात है और रामचरण का खिला बहुत मजबूत है क्योंकि पद पाताल शीस अजधावा, बड़ा बहुत गहन गया हुआ ये पद का खिला, जहाँ जिसने अनन्य भाव से अपना जीवन बांध दिया उसको कभी फिर माया सता नहीं पाई। अनन्य भाव, और ये जब तक अनन्य भाव नहीं होता, अच्युत भाव के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, हमारे ग्रंथों ने कहा सोहन राम प्रेम बिनो ज्ञान। तो प्रेम का अनुभव करने के लिए यहां से दोरी छूटे तो यहां जल्दी बंध जाए, छूटी ये बहुत बड़ी बात है लेकिन फिर बंध जाए, क्योंकि थोड़े समय में संसार प्रवेश कर लेता है। भर्तृहरि के जीवन में प्रसंग है, मैंने शायद आपको आगे भी बताया, एक बार वो श्मशान में बैठे थे, ऐसे ही बैठे थे, और उसी समय उसने देखा कि दो घुड़सवार आते हैं, दोनों क्षत्रिय घोड़े पर बैठे और बहुत तीव्र गति से घोड़े सवार आ रहे इधर। तो सोचा भर्तृहरि ने कि तो आते रहते, मैं उसमें क्या अपनी दृष्टि लगाऊं, लेकिन इतना सोचकर भर्तृहरि ने देखा तो एक बहुत मूल्यवान हीरा पड़ा जमीन पर। उसके जीवन में यह घटना मैंने पढ़ी, हीरा पड़ा, हीरा देखते ही एक क्षण के लिए भर्तृहरि को लगा कि उठा ले बहुत कीमती, क्योंकि राजा था, हीरे का पारखू था, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक दोनों लिख सके ऐसा महापुरुष था। एक क्षण के लिए हीरा देखते लगा कि बहुमूल्य है उसका, उठे भी झुके भी लेने के लिए, लेकिन तुरंत विचार आया, अरे फिर मैं इसमें ये सब छोड़कर आया हूं मैं अब फिर, और समझ आते ही एक क्षण के लिए संसार उठा था हीरा में, लेकिन दूसरी ही क्षण वैराग फिर आ गया और बैठ गए चुपचाप, आदेश आदेश आदेश। इतने में तो दोनों घुड़सवार आ गए और हीरे को देखते ही दोनों ने अपनी नंगी तलवार निकाली और टेक दी घोड़े के ऊपर से, उसने उधर टेक दी उसने उधर टेक दी, एक कहा मेरा अधिकार हीरे पर क्योंकि मैंने पहले देखा, दूसरे ने कहा मेरा अधिकार, पहली तलवार मैंने रखी है, और दोनों अभी भर्तृहरि कुछ बोले इतने में तो दोनों ने एक दूसरे की गर्दन काट दी और एक क्षण में दो लाश पड़ी थी। भर्तृहरि ने हीरे को देखा और एक क्षण में लुभा, लेकिन दूसरे ही क्षण में वैराग्य पैदा हो गया, और इन लोगों ने हीरा देखा और इतना अंदर उतर गए कि एक क्षण में शब हो गए, लाश हो गए, एक क्षण में घटना, यहां एक क्षण में जीवन आ गया वैराग्य का और यहां एक क्षण में वही हीरे ने मौत प्रदान कर दी। भर्तृहरि ने छोड़ी रस्सी, एक क्षण के लिए जरा ढीली हुई लेकिन दूसरी ही क्षण बांध दी फिर वैराग्य की खूंटी से, और ये लोग दोनों मर गए। भाव तो होता है कुछ क्षणों के लिए लेकिन फिर बदल जाते हैं, इसलिए करहु सदा सत्संग। ये हमारे रामायण का ये भानु प्रताप राजा कितना अच्छा राजा है, यज्ञ करता है, याग करता है, न जाने क्या क्या नहीं करता, और जो जो करता है वासुदेव अर्पित नृप, भगवान को अर्पण कर देता है। वही राजा एक बार विकृत वासना में खो गया, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं को, एक छत्र रिप हुई न मही राज कल्प सत होए। वो माया विकाल केतु के फंदे में आ गया और कहने लगा मेरा मुझे जरा न लगे, मेरा मरण न हो, मुझे रणांगण में कोई जीते ना, एक 100 कल्प तक मेरे अकेले का ही राज्य रहे।
एक समय ऐसा आया अपनी सभी सज्जनता चुक गया आदमी, उसको मुझे बुढ़ापा ना आए ऐसा मांगना था, और उसने मान लिया कि बड़े महात्मा है तो ऐसा मांगना चाहिए, मेरे राज्य में किसी को बुढ़ापा ना आए। सज्जनता तो वही कहती है मेरे राज्य में कोई ना मरे, लेकिन उसने सोचा कि कोई बूढ़ा न हो तो फिर मेरे जवान का कोई महत्व नहीं, सब बूढ़े हो जाए और मैं ठीक रहूं तो ही मजा आता है। यह है विकृत वासना, सब मरे और मैं जीवित रहूं, लेकिन यह नहीं सोचा कि सब मरे और तू जीवित रहे, तेरे पुत्र पोते को भी तुझे मरना देखना पड़ेगा, तुझे जीवित रहेगा। यह है सब विकृत वासना है मेरे भाई बहन, वो तुरंत पकड़ लेती है। सुर माया बस देव लोग विमोह है, और उसी के कारण कभी घर अच्छा लगने लगा, कभी वन अच्छा लगने लगा, कभी भवन अच्छा लगने लगा, ऐसी कुछ हमारी और आपकी दशा रहती है। प्रेम की झलक मिलती है लेकिन वो रस्सी ठीक से सामने छोर बांध नहीं देते, इसलिए फिर पुनः उसी तट पर जाने की इच्छा हो जाती है और माया उसमें थोड़ा काम कर लेती है, क्योंकि हमने डोरी अभी बांधी नहीं, इसलिए माया को अवसर मिल जाता है कि अभी उसको फंसाया जा सकता है। पूरी डोरी बांध दे कृष्ण के चरण में तो फिर माया कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बीच में माया थोड़ा काम कर लेती है। वरना मैं तो सोचता जानकी जी वहां बैठी है और माया प्रभाव डाल रही है, साक्षात आदि शक्ति जही जग उपजाए, कौन है उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशा, कौन है वो जानकी जी, उनकी उपस्थिति में लक्ष्मण जी जैसे वीर पुरुष की उपस्थिति में, और जहां परम प्रेम पूर्ण दोनों भाई हैं वहां माया ने अपना असर डाल दिया। बहुत मम माया दुरत्य, बहुत प्रबल है ये, ऊपर से बहुत अच्छी लगती है बाकी मौका मिलते ही प्रहार कर देती है। ऊपर से तो ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज अखंडानंद जी महाराज कहा करते कि विदेश में कोई पंचतारक होटल में दो व्यक्ति बैठे थे, तो बूढ़े थे दोनों, एक पुरुष एक स्त्री, तो कॉफी पी रहे थे, मैंने उससे सुना था। तो वहां तो स्वाभाविक है ना, कोई हमारी जो रीत और हमारे जो सभ्यता है उससे भी प्रीत कुछ वहां है, अपने अपने सब हो। तो उस पुरुष ने चाय या कॉफी पीते पीते, बूढ़ा था, उसने प्रस्ताव रख दिया उस बूढ़ी औरत के सामने कि आप चाहे तो हम साथ में शेष जीवन रह सकते हैं, हम शादी कर लें। पर वहां तो ऐसा होता, लोग नई शादी करते हैं विदेश में तो कहते हैं ए तारा छोकरा मारा छोकरा मारे से अपना छोकरा ने बच्चे थी ले ले। ऐसा होता कि 7-8 बार शादी हुई तो खुद के भी बच्चे, पहली पत्नी के दूसरी पत्नी के भी बच्चे, फिर जो नई शादी हुई उसके, तेरे बच्चे को हटा मेरे बच्चे को मैं हटाऊं अपने बच्चे को, ये दोनों मार रहे हैं, ऐसी दशा। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि आप इतने क्यों प्रभावित हुए, बोले आपके बाल कितने सुंदर है, ले आना दू चौका दिन मुख दे दे बाल। कॉफी का कप था वहां केश रख दिए। स्तब्ध हो गया कि क्या बात है, फिर भी अब उसने ही प्रस्ताव रखा था तो तुरंत नकारे भी कैसे, इसलिए कहा कि बाल का जो हो, लेकिन दंत कलियां आहा ले डेंचर निकाल दे। गुणमयी है माया, उसका रिसेप्शन हॉल बहुत सुंदर होता है, बाकी भीतर मामला गड़बड़ है, वेलकम बहुत सुंदर होता है, लेकिन जैसे भीतर गए तो गड़बड़ है। स्वयं मां जानकी जी विराजमान है वहां, तो प्रेम दशा में वो ही होना चाहिए था, लेकिन घटना नहीं घटी, माया ने थोड़ा काम कर दिया, क्योंकि डोरी ठीक से बांधी नहीं थी,
यहाँ से छोड़ो, बुल्ले शाह ने कहा इसे यहाँ से उठाओ, यहाँ लगा दो। थोड़े देर रुके तो गए, एक क्षण में भी कुसंग असर कर देता है। तो ये कितना बड़ा मार्गदर्शन है, सोचने जैसा। पाठ करते करते सोचते हैं कि क्या बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, कितनी अद्भुत महिमा बता रहे हैं, कितने सावधान कर रहे हैं। त्रेता युग का एक अर्थ में आप इसको मान लो कि त्रेता युग में ये एक बिल्कुल घटी घटना है। उस त्रेता युग का ये सत्य आज कलयुग में, आज 24 की तारीख दिसंबर की, आज भी इतना ही सत्य है, कल भी इतना ही रहेगा, युगों के बाद भी इतना ही सत्य रहेगा। राम ब्रह्म है, तुलसी ने गजब कर दिया। गजब कर दिया। अब रामायण देखिए, पढ़ते पढ़ते मैं आपको निमंत्रण दिए चलता हूं, रोज पाठ करो ना, तो थोड़ा बल कम पाठ भले हो, नवान न हो तो करो तो अच्छी बात है। मास पारायण करो बहुत अच्छा है, करो, लेकिन कभी न हुआ तो दो पंक्ति एक दोहा पढ़ो, लेकिन रुक रुक कर पढ़ो कि क्या मार रहा है गोस्वामी जी, कहां कहां पर वो चोट कर रहे हैं बाबा जी, इस तरह पढ़ो। अथवा तो एक बार तुम्हारा नित्य नियम का पाठ कर लो, फिर मौका मिले तो अवसर मिलकर आराम से बैठकर एक एक शब्द को पियो, बड़ा आनंद आएगा, तब इस शास्त्र की महिमा समझ में आएगी। कितनी अद्भुत बात करते, रावण का मन खूंटी पर नहीं लगा था तो रावण की भी यही दशा हुई। सीता जी अयोध्या में आई तो क्या स्थिति हुई, और वही सीता जी लंका में आई तो क्या स्थिति हुई, वही सीता। चलो सीता की छाया, लेकिन छाया भी तो हमारी मां की है, छाया ले गया रावण, चलो मान लिया, लेकिन वो भी तो जानकी जी की ही छाया है। कितना फर्क, गोस्वामी जी की एक एक पंक्ति पढ़ने से ये रहस्य खुलेंगे, कितना तफावत, क्या क्या कर दिया। पहले तो आप यह भी सोच लीजिए कि रामचरितमानस में यदि जानकी से हमें कुछ पाना है, जानकी स्वयं भक्ति है, लसत मंजु मुनि मंडली मत रघुचंद, गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट की छवि, मुनियों की मंडली में सीता और राम जी लसत है, भक्ति सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद है, जानकी भक्ति है। एक रूप सीता जी का गोस्वामी जी ने बताया भक्ति, सीता मानी भक्ति, वो भक्ति क्या है, परम प्रेम स्वरूपा, परम प्रेम स्वरूपा वो भक्ति है। एक अर्थ में सीता भक्ति है, रामायण के ही अर्थ है कि ये कोई करामत नहीं है, जो तुलसी जी ने लिखा है उसी का ही सीधा साधा अर्थ समझ लीजिए। तुलसी जी कहते हैं भक्ति सच्चिदानंद, तो अर्थ हो गया सीता जी भक्ति है, वहीं से तो प्रेम से अप्लावित हो जाने चाहिए हम। अब वही गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, सीता जी केवल भक्ति नहीं है, मनु महाराज ने प्रभु की वंदना की बालकांड में, तपस्या की मनु और शत्रुपा ने, तो उसने मांगा नहीं था कि जानकी जी सहज प्रकट हो जाओ, प्रभु को कहा कि आप दर्शन दो, तो भगवान प्रकट हुए तो जानकी जी को लेकर प्रकट हुए। वाम भाग सोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, वहां सीता जी आदि शक्ति है, माया है। सो अवतरहि मोरिय माया, शक्ति भी है माया है। एक एक शब्द देखते तो बड़ा आनंद आता है। वाम भाग, वाम या दहिन बात जब भी आती है तो एक तो दिशा सूचक है कि दहिन मानी इस तरह, वाम मानी इस तरह, वो भी, और शास्त्रों में दहिन और वाम आता है तो अनुकूलता और प्रतिकूलता भी आ जाती है। दहिन है वो दाहिन देव होई जब सब ही, जब देवता दहिन होता है तो ऐसा निवास मिलता है,
और भय वो बाम विधि फिरे वो सुभाव, बाम प्रतिकूलता। लेकिन गोस्वामी जी सीताराम जी को मिलाते हैं तो जानकी जी को बाम तो रखते हैं, लेकिन वो दिशा सूचक ब्राम है, बाम है, विपरीत वाम नहीं है, प्रतिकूल नहीं। बाम भाग सोभति अनुकूला, प्रतिकूला बाम नहीं। वाम दिशा में होते हुए भी अनुकूल है जानकी जी। तो वहां वो आदि शक्ति है, माया है, अथवा तो आप आगे भी पाठ में पढ़ सकते, उभय बीच सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो सीता माया है, सीता भक्ति है, सीता जी आदि शक्ति है, और ऊपर आगे चले जाओ तो वो महालक्ष्मी है। भगवान शंकराचार्य महाराज को पूछो तो कहे सीता शांति समानिता रामो ब्रह्म विराजते। सीता शांति है, एक ही जानकी को कितने रूप में दिखे। तो वही सीता आदि शक्ति के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में, अथवा तो भक्ति के रूप में, चलो अयोध्या में आती है तो कुछ और बात हो जाती है। वही सीता माया के रूप में, माया तो छाया ही है ना, सीधी सी बात है। वो जब वही सीता लंका में जाती है तो बिल्कुल पलड़ा पलट जाता है। वही जानकी कहां अयोध्या में उनका दर्शन और कहां लंका में। राम अयोध्या में रघुवंश की कुलवधू बनकर आती है, तब जानकी का स्वरूप, और एक बंदिनी बनकर जानकी जी लंका की अशोक वाटिका में रहती है, तब भी उनका स्वरूप। और वही दो प्रकार का आश्रय हमारे मन पर असर कर देता है बिलक ढंग से, और हम फिर प्रेम से वंचित रह जाते हैं। अब प्रसंग आया है तो मैं और आपको कहना चाहूं, अयोध्या वाली जानकी का दर्शन करें तुलसी के ही शब्दों से, यहां कोई करामत नहीं है, कोई युक्ति प्रयुक्ति नहीं है, क्योंकि व्याख्या करने में बहुत डर लगता है, क्योंकि व्याख्या करने जाए तो थोड़ा तो अपना लग ही जाता है, और जब अपना लगता है तब मौलिक नहीं रहता, इसलिए सावधान होकर व्याख्या करें। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूं कि भगवान राम की बारात जनकपुर के लिए निकली थी, तब शकुन होने लगे थे, और वही जानकी लंका में आई तो अशकुन होने लगे, और फिर और भेद ठीक से समझ लीजिए, ताकि ये माया विक्षेप करती है और हमको इस परम प्रेम का स्वाद नहीं चखने देती, इसलिए इस भेद को भी नजर में रखने की आवश्यकता है। पाठ के अनुसार आप देखिए धीरे धीरे। राम ब्याह कर अयोध्या आए, जानकी जी का अयोध्या में पदार, अयोध्या में कोई कमी नहीं थी सुख की, दशरथ धन लखी धनद लजाही। दशरथ जी का धन देखकर कुबेर महाराज लज्जित होते थे, देवराज इंद्र भी दशरथ जी की महिमा को सराहता रहता था, कोई कमी अयोध्या में नहीं थी। लेकिन भगवती जानकी जब अयोध्या में ब्याह करके आई हैं, महालक्ष्मी के रूप में, आदि शक्ति के रूप में, अथवा तो यूं कहो भक्ति के रूप में, जो कहना चाहो कहो, तब अयोध्या में क्या हो गया, कितना सुख हो गया, गोस्वामी जी उसका एक लिस्ट, उसका एक नोंद प्रदान कर देते। पावा परम तत्व जनु जो आवा पर, तत्व
जनु जोगी अमृत लहि जनु संतत अमृत कितनी खुशी हो गई माताओं को जब सिया जो आई रघुकुल की वधू बनकर कितनी प्रसन्न है माताओं और फिर उनकी इस प्रसन्नता का इन सुख की नोंद देते हुए गोस्वामी जी ये शब्द लिखने लगे कि आज अयोध्या में जानकी जी के आने से इतना सुख हुआ कितना सुख हुआ मानो योगी को परम तत्व प्राप्त हो गया। जानकी के आने से अयोध्या को इतना सुख मिला कि पावा परम तत्व जनु जोगी जोगी को परम तत्व मिल गया। वो ही जानकी माया के रूप में चुरा ली गई ले गए लंका में रावण तो वहां क्या हुआ जोगी को परम तत्व नहीं मिला जोगी कुजोगी हो गया पुरुष कुजो जिमी उरगारी पुरुष कुजो पुरुष कुजो बिटप किमी सकर उखारी। रावण जब अंगद का पैर नहीं उठा पाया तो गोस्वामी जी ने करार दे दिया कि जैसे कुयोगी व्यक्ति मोह बिटप को निर्मूल नहीं कर सकता योगी मोह को निर्मूल कर देता है कुयोगी निर्मूल नहीं कर पाता ऐसे वो हटा नहीं पाता तो सिद्ध हो गया यहां तो पावा परम तत्व जनु जोगी अयोध्या को परम तत्व मिल गया जैसे योगी को मिल जाए सब योगी जैसी खुशी मना रहे और यहां बेचारा कुजोगी बन गए ये सीधा अंतर है माया आते ही कितना किसी उस दिन मैंने रावण की सराहना की तो किसी ने मुझे पूछा था कि तो बापू ये बता दीजिए ना रावण प्रेमी था प्रेम की चर्चा चल रही तो पूछा था रावण प्रेमी था भाई रावण प्रेमी था कि नहीं वो तो उसने वो जन्म महोत्सव मनाया तो मुझे कहना पड़ेगा कि प्रेमी था। प्रभु के दर्शन के लिए वो मिथिला में 20 नेत्र से गुप्त रूप से देखता है तो लेकिन उसके लिए स्पष्ट यदि कहना चाहे व्यास गादी तो ये कह सकती है प्रेमी तो थोड़ा बहुत रहा होगा लेकिन रावण योगी था। योग की आगे की सीढ़ी न चढ़ पाने के कारण वो कुजोगी हो गया बाकी जोगी था कहने दो योगी था। ये भोगी है भोगी है भोगी जरूर लेकिन योगी भी था उसकी कुछ तस्वीरें हमने ली है इसमें एक तस्वीर ये भी आई है कि वो जोगी था और एक तस्वीर ये भी कि फिर कुजोगी हो गया क्योंकि अंतिम मंदिर में नहीं प्रवेश किया उसने उसको सीता चाहिए। बहन लोग पति को नाम से तो बुलाती है लेकिन कभी कभी मैंने सुना है मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि पति को कहते माय लव लेकिन तो माय लव एटले कोने बोला है भत्रीजा ने बोला होती तो भरथार निकले माय लव पूछो पूर्व को प्रेम किसको कहते हैं कोई दुनिया में तुलना है कोई ऐसी घटना विश्व 12 साल रोटी बनाती थी और ब्रह्म सूत्र की टीका में निमग्न अपना ऋषि मनीषी पति जरा भी उसको विक्षेप नहीं के थाल रख देती थी और वो भी कितना एकाग्र रहा होगा कि कौन थाल रख देता है वो भी पता है। एक दो घंटे नींद लेते थे बाकी 24 घंटों रात के अंधेरे में दीप जला देती थी और हट जाती थी
12 साल पूरे हुए, अब केवल पूरा ब्रह्म सूत्र की वो पूरी हो गई, अब केवल ग्रंथ को नाम देना बाकी था और वो मध्यरात्रि को देना था, और उस मध्यरात्रि को ग्रंथ का नामाभिधान करके उस दिन की भोर को उसको संन्यास लेना था। 12 साल उसी दिन पूरे हुए, ग्रंथ पूरा हो गया। अब बिल्कुल निर्भर है वाचस्पति, इतनी बड़ी साधना के बाद ये ग्रंथ तैयार हुआ, बहुत बड़ा दायित्व पूरा किया भारतीय अध्यात्म जगत का। बस 11 बज गए, सब ठीक ठाक हो गए, अब केवल इस ग्रंथ को नाम रखना था, इतना ही बाकी था, शाही कलम सब तैयार, लेकिन अब विश्राम में क्या जल्दी है, सुबह में संन्यास लेना है ना, आराम से नाम। इतने में दीप की ज्योति धीमी हो गई, पूरी हो गई, और दीप की ज्योति बंद हो जाएगी तो मेरे पति की ये जो साधना चल रही है उसमें विक्षेप होगी होगा। उसी समय जैसे बत्ती धीमी होती ही जा रही थी, उसी समय किसी के सुंदर करकमलों ने उसको पुनः प्रज्वलित कर दिया। अब वो इतने में एकाग्र नहीं थे क्योंकि काम पूरा हो गया था, अब नाम ही बाकी था, इसलिए उसका मन उसमें लगा हुआ नहीं। तो उसी समय उसने कंगन वाला हाथ देखा, किसी ने दीप जलाया, आप कौन है? 12 साल में पहली बार अपनी पत्नी को इसने पूछा आप कौन, उसको कहते हैं प्रेम। तुम्हें मैंने हल्लो क्या की तू, इसको प्रेम नहीं कहते, तुम सॉरी कहां बोले थे, तुमने एक्सेस कहां किया था, वो प्रेम नहीं है मेरे भाई बहन, और उनके लिए वरदान था। रो पड़ी, प्रभु यदि आपको विक्षेप न हो तो बताओ, 12 साल पहले आपने मेरा पाणी ग्रहण किया था, याद आया, ओ आप हैं, आपने 12 साल में मुझे याद भी नहीं दिलाया, तो ये मेरा बिस्तर तू ठीक करती थी, ये दीप रोज तुम जलाती थी, ये भोजन की तैयारी। हाँ प्रभु, मेरा सद्भाग्य है कि मेरा प्रभु मेरा ईश्वर कितना डूबा है शास्त्र, मैं धन्य हो गया, लेकिन तूने मुझे सदा सदा अपराधी बना दिया, वाचस्पति ने कहा। अरे कुछ तो पहले बोलती, अब समय भी नहीं बचा है, सुबह संन्यास लेना है, देखिए सुबह तो जाना है मुझे, अब थोड़ा पहले तो बोलती। बोले आपका जो निर्णय हो, आपने एक बार मेरे सामने देख लिया, धन्य होगा, मैं पा गई। आपके मन में जरा भी अपराध भाव मत रखना, लेकिन उसी समय शाही में डुबोई कलम और नामकरण बाकी था, इस ग्रंथ का नाम रख दिया भामती टीका, ब्रह्म सूत्र पर वाचस्पति की टीका का नाम भामती कर दिया। और भामती को जब ये ग्रंथ दिया तब उसने कहा कि नहीं नहीं, आपने आज मुझे सब कुछ दे दिया, आज ये ग्रंथ नहीं देख रही हूं, मुझे लगता है मुझे बेटा जन्मा है, मुझे संतान की प्राप्ति हो गई, मैं कृतकृत्य, गले से लगा है। आप अपराध जरूर भी मत मानिए, आप जाइए आपका पंथ, बस यही गति देखकर मैं जिंदगी पूरी कर दूंगा, ये है प्रेम, यही है भाव। आइंस्टीन की पत्नी ने कहा, मैं उनके सिद्धांत को नहीं जानती, मैं उनको जानती हूं, मैं उसको जानती हूं। तब उस वैज्ञानिक को लगा था कि दुनिया का परोपकार करने वाला मैंने सिद्धांत, लेकिन विज्ञान की खोज थी, तूने जो जाना वो प्रेम की खोज है, ये तो प्रेम से प्राप्त होता। रावण चुक गया, उसके हृदय में वो है जानकी, उसको तो जानता था, लेकिन कभी भी फुर्सत नहीं निकाली रावण ने कि मेरे हृदय में है, उनके हृदय में कौन है,
तुर्यावस्था तक रुक गया, योगी है लेकिन चुक गया ब्रह्म को, वहां रुकना नहीं चाहिए था, उस दरवाजे से उस ब्रह्मानंद में डूबना चाहिए था, लेकिन उसको राम ब्रह्म नहीं, उसको नहीं वो कबूल करने को तैयार था। जनु जीव अरु चारी अवस्था विभुन सहित विराज ही। आपने ठीक से पाठ किया, रामायण में दो रात्रि का वर्णन है, वैसे तो कई रात्रि आपको मिलेंगी, लेकिन इस यहां इस कथा में इस समय एक पूर्णिमा की रात्रि, एक अमावस्या की रात्रि, दोनों रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि भी और अमावस्या की रात्रि भी, दोनों रात्रि, लेकिन एक रात्रि को हम बहुत आदर देते हैं क्योंकि उसमें चंद्र हाजिर है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, और एक रात्रि को हम आदर नहीं देते क्योंकि उसमें चंद्र नहीं है, इसलिए अंधेरी रात्रि। राम रूपी चंद्र है तो जानकी भक्ति ये पूर्णिमा है, राका रजनी भक्ति तव राम नाम सोई सो अपर नाम उडगन विमल बसम भगत उर। भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है क्योंकि उस रात्रि में चंद्र है, राम नाम चंद्र। रावण रात्रि चाहता है, सीता भक्ति है, पूर्णिमा की रात्रि है, रावण चाहता है, लेकिन चंद्र बिना रात्रि चाहता है, राम नाम सोई सोम उसको नहीं चाहता, तो चंद्र बिना की रात्रि तो रावण के लिए काल रात्रि निशिचर कुल के, वो काल रात्रि अमावस्या की रात्रि बन चुकी है, राक्षसों के विनाश की रात्रि बन चुकी है। तो रावण तुरियावस्था तक जरूर गया है, इसमें कोई, जिस तरह वो रूप बदलता है, जिस तरह ये आदमी कहता है कि राम रूप लूं तो मुझे ब्रह्म पद तुच्छ लगता है, पर नारी का संग किस कोटि में आता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूं, मुझे लग जाता है कि मैं साधु होकर चला जाऊं सब छोड़कर, इतना जो आदमी एकाग्र हो सकता है वो योगी के बिना संभव नहीं था। जनु जीव अरु चारिणी अवस्था विभुन सहित विराज ही। तुरियावस्था माँ जानकी है और उसका विभु है स्वयं साक्षात ब्रह्म राम, सुषुप्ति अवस्था श्रुति कीर्ति है, उसका विभु है महाराज शत्रुघ्न महाराज तेजस, और स्वप्न अवस्था मांडवी जी हैं, उसके विभू हैं प्राज्ञ पुरुष श्री भरतलाल जी, और जागृत अवस्था है देवी मांडवी जी, और उसके विभू हैं विश्वरूप लखनलाल जी। कहाँ रस प्रवाह विवाह का चल रहा था, वहां पूरा योग रख दिया, यही है गोस्वामी, यही है। तो रावण योगी होकर भी चुक गया, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कुजोगी बन गया बेचारा, पावा परम तत्व जन जोगी। जानकी अयोध्या में आई तो माताओं को इतना सुख हुआ कि मानो परम तत्व योगियों को प्राप्त। वही जानकी जब माया रूप में है और रावण ब्रह्म तक नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो गई, वही जानकी वही माया आज उसको कुजोगी बना दिया, पुरुष कुजोगी मोह बिटप नहीं सकही तुखारी। तो एक एक शब्द सुनते जाइए, पावा परम तत्व जन जोगी अमृत लय जन संतत रोगी, परम जन पारस अंधही लोचन लाभ सुहाना, पावा परम रंग जल पारस पावा
अंधही लोचन लाभ सुहावा मुख बदन। क्या अयोध्या का सुख देखिए, मेरी माँ ध्यान की आई तो क्या क्या हुआ। मानव समर सूरज पावा पर तत जन अमृत लहरियों संतत भक्ति रूपी महालक्ष्मी रूपी जानकी जी अयोध्या में आई तो अयोध्या योगी बन गया। सबको परम तत्व मिला इतना योगी जैसा आनंद। और वही जानकी रावण की लंका में जबरदस्ती लाई गई। किसी की शांति जबरदस्ती, दूसरों की शांति लूटकर तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे जीवन में। लिख लो, दूसरों की राम की शांति चुरा कर रावण शांत होना चाहे तो वो बालू पर नौका चला रहा है, बहते प्रवाह पर भीत बना रहा है। भूलो भीत भूलो याद भी। तो कुजोगी हो गया बेचारा। अमृत लहु जन संतत रोगी, दूसरी पंक्ति। अयोध्या में जान की आई तो कितना सुख मिला माताओं को सबको, मानो नित्य रोगी को अमृत मिल गया। अब कायम रोगी हो उसको अमृत मिले तो फिर तो अमर हो गया ना, बात खत्म हो गई। रोग का तो सवाल नहीं, मरना ही बंद हो गया, समस्त रोग समाप्त। इतना सुख अयोध्या में माताओं ने पाया, जनता ने पाया मां जानकी आई तब। वही जानकी लंका में आई तो बेचारा और रोगी हो गया। निरोगी की तो बात छोड़ो, महारोगी हो गया। काम बात कफलो क्रोध पीत नित छाती जा। मानसिक रोग की स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है, काम वात है, तफ लोभ है, क्रोध पीत है। सीता जी का अपहरण नहीं किया था तब तक उसमें कफ और पीत था, वात रोग नहीं था। काम बात कफ लोभ अपारा, लोभ बहुत था, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकार। क्रोधी भी बहुत था, बहुत क्रोध करता। कामना इतनी नहीं थी, लेकिन जानकी का अपहरण करने के बाद वो रोग भी लागू पड़ गया। इसलिए बेचारा अमृत से अयोध्या निरोगी हो गई। और वही जानकी पाने के बाद प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। सन्निपात रोग माँ और अर्जुन ने निर्णय कर लिया। अंगद ने, अंगद को रावण ने पूछा था, लो जब रावण और अंगद की चर्चा चलती थी तो अंगद जरा उसको देख रहा था। रावण को लगा कि ये है बंदर, तू ये टकटके लगाकर मुझे क्या देख रहा है। बोले, मुझे हनुमान जी ने कहा था कि एक आदमी है वहाँ, उसको जरा रोगी है, तो मैं देख रहा था कि तेरा रोग क्या है। डॉक्टर आंख में देखते हैं, जरा आंख खोलो, आ करो। तो मैं देख रहा था, अब पता लग गया। सन्निपात जलपसी दुर्वा, तुझे सन्निपात का रोग हो गया। जानकी रूपी अमृत आने के बाद रोग मिटना चाहिए, तुझे महारोग हो गया। सन्निपात जलपसी दुर्वा, काल बस खल मनु जादा। पावा परम तत्व जनु जोगी अयोध्या में, यहां बेचारे कुजोगी हो गए। वहां अमृत लय जन संतत रोगी, अमृत मिल गया, कोई रोग नहीं रहा। और यहां बेचारा सन्निपात का रोगी हो गया। बोलना बंद ही नहीं करता तू, और बोलता है तो अभी दुर्वाद ही कर रहा है, सन्निपात लग गया। लोग कहने भाई है ना, गुजराती में तो सब ही नहीं बोले, हने पात थे गयो,
गुजराती बिल्कुल देहाती शब्द हने पात, कोई बहुत बोलता है ये करता है, कहे भाई अनुवाद में अमृत जानकी मिलने के बाद, क्योंकि रूप माया का था इसलिए बेचारा बड़ा रोगी हो गया। आगे की पंक्ति, जन्म पारस जानकी जी आई अयोध्या में तो माताओं को जनता को लगा कि जन्म रंक को पारस मिल गया, जन्म दरिद्र को जैसे पारस मिले तो जितना चाहे सोना पैदा कर देना, जहां भी लोहा हो सोना कर दे, जन्म दरिद्र को फिर कभी दरिद्र न होना पड़े, इतना सुख मिल गया जानकी के आने पर। परम रंक जनु पारस पावा, जन्म दरिद्र को पारस मिल गया। तो सीता आने के बाद तो दारिद्र मिटना चाहिए, समृद्धि ही समृद्धि चाहिए, लेकिन रावण अंगद का ये सब दृश्य आता, अंगद का पैर उठाने गया ना तो फिर हिम्मत नहीं की, फिर लौट गया। उसने सोचा कि चलो सिंहासन तो बचा है ना, नहीं ये खतरा नहीं लेगा। मंदोदरी ने खानगी में रावण को कहा था, ये बिल्कुल खान की बात है, इन दोनों की बात मैंने सुन ली है, अथवा तो जो रामायण का वो करेंगे वो सुन लेते हैं। रावण ने, रावण को मंदोदरी ने कहा कि आपको सीता ही चाहिए थी तो इस ऐसे बिलक रास्ते से तुमने क्यों उसको उठाया। मतलब महाराज दशरथ जी ने चांदला करके सगाई करके सीताराम को नहीं दी है कि भाई सगाई की गोड़दाना मुखा मोटो मिठो करू, सगाई की ऐसा पाट ऊपर बिठाई, ऐसा तो कुछ किया नहीं था, धनुष तोड़े उसको सीता मिलने वाली थी तो तुम क्यों तोड़ने नहीं गए। ये जो चोरी की बात की, हमको नीचे देखना पड़ता है, पूरी स्त्री जाति का तुमने अपमान क्यों किया। सगाई करके जो की होती जनक तो ठीक है, लेकिन खुले मैदान की बात है, आए वो सुनिपन जो हम थाना, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, खुली बात थी, मैदान की बात थी, आप जाकर तोड़ते तो तू क्या समझे, तू एक स्त्री हो, मैं रावण हूं, पंडित हूं, ज्ञानी हूं, माना तो बोले मैं कैसे धनुष तोड़ सकता हूं, तू इतना तो भरोसा कर कि शंभु सहित कैलाश उठाने वाला मैं, महादेव सहित पूरा कैलाश मैं उठा सकता हूं, धनुष नहीं तोड़ सकता, तो फिर क्यों नहीं तोड़ा। गुरु भक्त हूं, गुरु के धनुष को तोड़ना शिष्य को शोभा नहीं देता, तू मुझे मामूली समझती है। खबर नहीं कहां से ये बात अंगद सुन गया, आज राज दरबार में रावण के समक्ष पैर रखकर कहा सीता चाहिए ना, धनुष तोड़ने से न मिली ना, ले मेरा पैर उठाकर, वहां तो तोड़ना था, यहां केवल बंदर का पैर खिसकना है, ये बंदर का एक पूछड़ा वाला नो पग थे, उठा ले हिम्मत हो तो, और फिर ही राम सीता मैं हारी, जाहिर में कह देता हूं जानकी हम तुम्हें दे दे। तब वो उठा भी कपि के पड़कार को सुनकर, लेकिन फिर लौट गया, साहस करने जैसा नहीं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, जाकर अपने सिंहासन पर बैठा, मानहु संपत्ति सकल गवाई, यहां परम रंक जनु पारस पावा, जानकी आई तो समृद्धि ही समृद्धि, लोहा भी सोना कर देने वाला पारस मिला, और यहां मानहु संपत्ति सकल गवाई, जब बैठा तो संपत्ति बिल्कुल सब। और ये कितनी विचित्र गादी रही और संपत्ति नहीं, सिंहासन रहा और तेज न रहा,
आजकल ऐसा ही है, सिंहासन है सबके पास, तेज सीताराम हम जो एकता न थे मान हो संपत्ति सकल परम रंग जनु पारस हमारी माँ जानकी अयोध्या में आई तो इतनी खुशी हो गई कि मानो अंधे को नेत्र मिल गए, सब देख दृष्टिवान हो गए अवधवास, एक नई दृष्टि प्राप्त हो गई सबको। वही जानकी लंका में आई तो बीसहु लोचन अंध, अंगद तो मजाक बहुत, अंगद का प्रसंग कभी लेंगे दो तीन कथा में, बड़ा अच्छा है, बड़ी चुटकियां भरता है आदमी, सिद्धांत भी है और मस्ती भी है। जब रावण ऐसे तैसे बोलने लगा ना, तब अंगद ने कहा कि रावण मैं जब यहां आया ना तो हनुमान जी ने मुझे कान में कहा था कि अंगद एक काम करना, लंका में एक आदमी है 20 आंखें होते हुए अंधा है। क्या बात करते, बोले एक भी दरवाजा खुला नहीं, सब बंद, 10 बंद है द्वार, 20 अंधौ बधिर न असकल नयन कान तव 20 अंधौ लोचन लाभ सुहावा। कहां अयोध्या में जीवन की एक पावन दृष्टि और खुल गई, प्रकाश हो गया, और यहां रावण सीता को इस रूप को ले आया, ब्रह्म को छोड़कर ले आया, परिणाम दूसरे की शांति को छीन आया, शांत होने के लिए दृष्टि भी चली गई, बेचारा अंध हो गया। मूक बदन जन सारद मान बदन जनु सारद छाए। अयोध्या में जानकी जी आई तो गूंगे मुखर हो गए, इतनी खुशी हुई, कोई गूंगे नहीं थे लेकिन इतनी खुशी हुई कि जन्मजात गूंगे के मुख में सरस्वती बैठ जाए और वेद घोष करने लगे, और फिर उसकी आनंद की स्थिति का वर्णन वेद भी नहीं कर सकता। जानकी आई तो मूक बदन जनु सारद छाए। सीता जी लंका में आई तो वहां भी शारदा तो आई, सरस्वती तो वहां भी आई, लेकिन गूंगे को आनंद दे ऐसी नहीं, विपरीत आई। हनुमान जी सोच रहे त्रिजटा ने कहा सपने बानर लंका जा रहे, हनुमान जी सुन रहे थे ना अशोक वाटिका, त्रिजटा ने कहा सपने में बानर ने लंका जला दी, जात दान सेना सब मारी आदि आदि। हनुमान जी ने कहा उसका सपना तो सच्चे ही होना चाहिए और होगा ही, लेकिन लंका जलेगी कैसे, व्यवस्था कैसे होगी। और इतने में रावण बोला तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, उसको तेल घी वाले कपड़े पूंछ पर लपेट करके अलग आग लगा दो। तो हनुमान जी ने कहा भाई सहाय सारद में जाने, आ गई सरस्वती, वहां सरस्वती आई तो गुंगा मुखर हो गया, एक दूसरे अर्थ में आई, निर्माण करने आई, यहां सब जलाने आई। रावण ने कहा बस ऐसे कर दो, और हनुमान जी खुश हो गई, माता जी बड़ी कृपा की, ऐसे कभी कभी आया करो, केवल अयोध्या में आती रहो वो ठीक नहीं, लंका में भी आती रहो। तो जानकी आई तो नव निर्माण हुआ, और यहां आई तो सब जला, काला कलूटा कर दिया लंका। मुक बदन जन सारद छाई मानहु समर सूरज पाई, मुक बदन जन सारद छाई मानहु समर सूरज पाई।
अयोध्या में जानकी जी आई तो इतना सुख हुआ माताओं को कि मानो समरांगण में गए योद्धा को विजय श्री प्राप्त हो गई। मानहु समर सूर जय भाई, विजय हो गया, विजय श्री मिल गई। वही जानकी लंका में गई तो विजय श्री कहाँ मिली, तब बलनाथ डोल नित धरनी तेज हीन पावक शशि तर। गोस्वामी जी कहते मंदोदरी कहती है पतिदेव कहाँ गई है विजय श्री, कहाँ गया इस समरंगण का विजय, तुम्हारे बल से धरती डोलती थी, तेज हीन पावक तुम्हारा नाम सुनते अग्नि जाखा हो जाता था। पावक शशितरणी चंद्र सूरज ये सब मलान हो जाते थे। वरुण कुबेर सुरेश समीर रन सन्मुख दिखाउन तीरा। कुबेर इंद्र वरुण समीर रण के सन्मुख मैदान में तुमसे कोई धैर्य नहीं धारण कर पाया, आज सब लूट गया, आज अनाथ की तरह तुम्हारे शीरों को जम्बुक खा रहे हैं, कौवे तुम्हारे हाथ से मांस के लोचे निकाल रहे हैं। विजय श्री खत्म हो गई तुम्हारी। मानहु समर सूर जय भाई। जानकी का भक्ति रूप अयोध्या में, तो ये घटना। जानकी का माया का रूप लंका में, तो विपरीत घटना। लेकिन गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि सीता जी अयोध्या में आई तो उसको योगी को परम तत्व मिले इतना सुख हुआ, रोगी को अमृत मिला, परम रंग को पारस मिला, अंधे को आँख मिली, गूंगे को सरस्वती बैठ गई जिह्वा पर, और रण मैदान में वीर को विजय, इतना सुख मिला। बोले नहीं, ए सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंद। ये तो इतना में गिना पाया, मेरे बाबा जी कहते हैं इस सुख से शत कोटि गुना सुख हुआ है। जब जानकी आई तो ये जो सुख दुनिया के अंतिम सुख माने जाए ऐसे सुख है, इनसे भी कोटि कोटि गुना सुख माताओं को आनंद मिल रहा है। वही जानकी का एक दूसरा रूप जब जाता है लंका में, तो वहां कितना उत्पात, कहां कितना वो हो जाता है। तो सीता भक्ति है, कई रूप में भक्ति, सच्चिदानंद शांति है, तुरियावस्था है, आदि शक्ति है, महालक्ष्मी है, माया है, किस तरह हम उसका, और वो भक्ति है। रामचंद्र है, रामचंद्र भी प्रेमचंद्र है। राम किस प्रकार चंद्र है, राम प्रेमचंद्र है। इसलिए सीता और राम को साथ में रखकर, उनको दृष्टि में रखकर कोई चित्रकूट की यात्रा करेगा और अपनी मन की डोर, अपनी बुद्धि की डोर, अपनी जितनी जितनी डोरियां यहां से छूटी हैं वो बिल्कुल उनके चरणों में बांध दे, तो ही माया विक्षेप नहीं करेगी। यहां से छूटा जरूर, लेकिन यहां पूर्ण रूप में बंधा नहीं, तो सुर माया बस देव लोग विमोहे तुरंत मोहित कर। तो राम है प्रेम, सीता है भक्ति। यहां तो भक्ति सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद है, लेकिन राम स्वयं प्रेम भी है। ध्यान देना मानस में, प्रमाण सुनिए। कीर्ति विधु तुम किन अनुपा, कीर्ति विधु तुम कीर्ति विधु तुम किन अनुपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, राम प्रेम मृग रूपा। तो प्रभु प्रेम है, जान की भक्ति है, उसकी यात्रा भरत के संग करे, और वो भी विवेक जहाज में बैठकर चले, चित्रकूट आ जाए, वहां की स्थिति आ जाए, तब सब छूट जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने में थोड़े विवेक की जरूरत है। सावधानी से चले, थोड़ी सावधानी नहीं रही, डोरी ठीक से नहीं बंधी,
तो इन लोगों को देव माया ने तुरंत पकड़ लिया और बन सदन में दुविध हो गए। ये लोग कहाँ रहे, वरना तो सब जल जाओ ऐसा संकल्प करके निकले थे। मेरे कहने का मतलब, मेरे भाई बहन, जरा भी गफलत, विवेक में तीन काम करना जिसको प्रेम करना है। मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं, आप भूल जाएंगे, प्रेम में कुछ भी करना नहीं है। लेकिन वहां किस तक पहुंचने की यात्रा में किसी संत के साथ तीन वस्तु का ध्यान रखना, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं चढ़े विवेक जहाज, तीन बार। विवेक विरुद्ध कर्म मत करना कोई भी, यदि प्रेम यात्रा में जुड़ना है तो विवेक विरुद्ध कभी कर्म मत करना। जिस कर्म में विवेक सहमत न हो उस कर्म में मत जाओ। एक, यात्रा में चलना पड़ेगा वही कर्म है, लेकिन कर्म विवेक विरुद्ध ना हो, साधकों के लिए बहुत आवश्यक। और ये तीन बातें मानस चढ़े विवेक जहाज के आधार पर मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये तीनों सूत्र जो है वो है प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज के। मुझे यहां बिल्कुल तालमेल बैठता है उसका, इसलिए मैं उसका स्मरण कर लेता हूं। तीन वस्तु तो उसने बताई बड़ी पते की। किसी ने पूछा होगा कि प्रेम पूर्ण दशा कब हो स्वामी जी, प्रेम पात्र में प्रेमी कब डूब जाए, कब ये घटना घटे। बहुत बड़ी बातें उसने अपने ढंग से कही है, जब स्मरण में आता है तो मैं देख लेता हूं कि क्या बात है, कहां बात लगती है। बड़ी अच्छी बात उसने ठहाका मार कर हंसकर बोले, प्रेम पूर्ण होना है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन थोड़े समय तक विवेक का ख्याल करना है। जब तक चित्रकूट न पहुंच जाओ तब क्या करना, तो बोले तीन बात करना, विवेक विरुद्ध कर्म मत करना। कितनी बड़ी मधुर शाद घोल देते, कोई भी कदम उठाओ बाप विवेक पूर्ण उठाओ। प्रेम जिसको पाना है, अपने में पड़ा प्रेम को प्रकट करना है, तो शुरू में विवेक का ख्याल करना। बस हम तो प्रेम की मस्ती में हम किसी को नहीं मानेंगे, नहीं वो नहीं चलेगा। हम प्रेम में डूब गए हैं, लोग कहें मीरा भाई बांवरी मीरा, अभी देर है। घूंघट मत करना, नाचने से हरी नहीं मिलता, जब हरी मिल जाता है तब कोई नाचे बिना नहीं रह सकता। नाचने से मिलता तो कई नर्तकियां नाची है उनको मिल जा, मीरा से अच्छा नाची है, कहने में जरा भी आपत्ति नहीं। आज भी कितना सुंदर नृत्य करती है, मीरा इतना कर सकी होगी खबर नहीं, कितना सुंदर था। मंच को ऊंचा ले लेती है, इतना सुंदर नृत्य करती है, मिला ब्रह्म उसको। नाचने से नहीं मिलता, जिसको मिलता है वो नाचे बिना रह नहीं सकता। अरे आत्मा का कृष्ण पकड़ में आ जाए तो वासना भी गोपिया बनकर रास में सहमलित हो, निमंत्रण नहीं, हर वृत्तियां गोपी बन जाती हैं। ये 16108 कौन है, कथा तो है ही, उस कथा प्रसंग को तोड़ना नहीं कभी भी, ये घटी घटनाएं हैं। लेकिन आज बहुत अंतर हो गया द्वापर और कली में, आज कली में 24 तारीख है, रोज समय बदला जा रहा है। जिसी का आत्म कृष्ण जागा है उनकी सभी वृत्तियां नाचने लगती है, वो वृत्ति फिर बाप के पास नहीं रहती, पति के पास नहीं रहती, भाई के पास नहीं रहती, देह में नहीं रहती, गेह में हर वृत्ति श्रृंगार करके दौड़ आती है। पति सुतान वया भत्र बांधवा सब छूटे, जिसको मिल गया
वो नाचे गाही। चैतन्य महाप्रभु नाचे इसीलिए मिले, ऐसा नहीं गणा नाचे है। ना पाड़ी पड़े तो बैठ। लेकिन सही तो वो ही नाचा है मेरे भाई। कितने लोग नृत्य के प्रोग्राम नहीं हम देखते, इतना सुंदर नाचते। गुरु नानक देव को गाने से मिल गया। गुरु नानक देव से कितना अच्छा गाते होंगे लोग। लेकिन मर्दाना छेड़ काम छेड़ते थे, क्योंकि जिसको मिल गया है वो गाए बिना नहीं रह सकता, जिसको मिल गया वो नाचे बिना नहीं रह सकता, पुकारे बिना नहीं रह सकता। क्या नृत्य था भगवान गौरांग के पैरों में, अद्भुत छवि। फिर उस छवि को याद, वृक्ष पहाड़ चोटियां चोटियां सब साथ साथ चलने लगती। जहां जहां चैतन्य गए भूगोल में परिवर्तन हो गया। बांध कर नाची रे मिलने से पहले नाचना प्रोग्राम है, मिलने के बाद नाचना प्रसाद है। पद तो उस समय तो प्रेक्षक कृष्ण बन जाता। अरे मैं एक छवि बहुत गोपी की जब तो ये छवि रखते हैं करीब करीब, कितनी प्यारी छवि है। सूरदास जी गाते हैं और वो सुनता है, क्या गाया सूर ने, और कृष्ण इतना सीधा साधा भोला बनकर बैठा है। सूरदास जी गाते हैं और कृष्ण सुनते हैं। जब मीरा नाची तब प्रेक्षक प्रधान अतिथि विशेष प्रेक्षक के रूप में यशोदा का बेटा बैठ जाता है। बांध नाची रे मुगर बांध नाची रे मुगर बांध। अच्छा सारथी होता है ना, घोड़े को चाबुक मारता नहीं, खाली चाबुक दिखाता है और घोड़ा गति में आ जाता है। वो भी अच्छा सारथी नहीं है जिसको कौड़ा दिखाना पड़े, केवल कौड़ा पास में रखता है, दिखाना नहीं पड़ता और घोड़ा गति में आ जाता। वो भी श्रेष्ठ सारथी नहीं कि पास में रखना पड़े, केवल किसी से बात करे हमारे पास कौड़ा है और घोड़ा गति में आ जाता है। और इससे भी श्रेष्ठ सारथी वो है कि घोड़े का नाम भी नहीं ले, केवल घोड़े की पीठ पर हाथ घुमा दे और चल दे। इंद्रियों को मारे वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इंद्रियों को चाबुक बताएं वो श्रेष्ठ सारथी नहीं है, इंद्रियों को चाबुक दिखाएं वो सर्वश्रेष्ठ सारथी नहीं है। चाबुक अपने पास, लेकिन इंद्रियों को फुसला कर प्रेम करके आत्म जागृत करे, ताकि इंद्रियां गोपियां बनकर नाच नाचे। भाई समय बर्बाद मत करो, इंद्रियों का दमन करें, ये करो ये करना चाहिए जरूर, दम की बड़ी, लेकिन इतना समय कलयुग के लोगों के पास नहीं है। राम मंत्र को भीतर जगाओ गोपियां नाचेगी, हरि नाम को जगाओ, प्रभु प्रेम को जगाओ, आत्म तत्व को, क्या वासना वासना रह सकती है मेरे भाई में। काम के पार चले जाते हैं लोग, भामती चली गई काम के पार, जिसके अभी मैंने चर्चा की, चली गई काम। विवेकानंद जी पहली बार अमेरिका गए तो जयपुर महाराजा ने सम्मान में बोल दिया था, पढ़ी है ना आपने बात ये। जब उसको जाना हुआ, एक घटना ऐसी है विवेकानंद वहां। अब जयपुर नरेश को उस समय यह पता नहीं था कि साधु संन्यासियों के सम्मान में कैसा भोज दिया जाए। वो राजे महाराजे विदेश से आते थे, राव उमराव सब, उनके जे खाना पीना सब, नर्तकियां नृत्य करती हैं आदि आदि सब लगा देते थे। विवेकानंद जी के सम्मान में भी, उनके राज प्रसाद में ठहरे विवेकानंद जी,
बादशाहों का बादशाह ठाकुर परमहंस उनके द्वारा जो दीक्षित था। तो जो खान पान सब और जयपुर उसको कोई ऐसी वो नहीं, कोई कसूर नहीं था, लेकिन आदत ही ऐसी थी कि कोई बड़े लोग आए तो ऐसे ही लंच पर डिनर पर बुलाते थे, जैसे आप सब लोग। छोड़ो सब, कथा सुनने के बाद शराब पीना बंद करो, कथा सुनने के बाद ब्रह्म का भोग करने के बाद अंडे मटन खाना बंद करो, तुम हिंदुस्तान की औलाद हो। ये गेरुए कपड़े को शर्म न हो, उसको शर्मिंदा न होना पड़े, ऐसे तुम जीने का संकल्प करो। कथा इसलिए है, लोग कहते हैं हम तो अंडे तो खाने चाहिए क्योंकि दुनिया मॉडर्न हो गई। ले मॉडर्न वो है जो कॉल्डन न तोड़े, पूछो मेरी व्यास गादी को क्या मॉडर्न है। मॉडर्न वो है जो भारतीय परंपरा की श्रृंखला न तोड़े, जो एक श्रृंखला है, जो हमारी परंपरा है। ऐसा तैसा मत पियो, ऐसा तैसा मत खाओ। लोग कहे पार्टी में जाए तो सबका रखना पड़ता, तुम सबका रखो, वो भी रखेंगे कि नहीं? उसको एक एक गीता पकड़वा दो ना, एक एक रामचरितमानस पकड़वा दो ना, वो तुमको प्याला दे, तुम उसको माला दो, पकड़वा दो ना। वो कहते धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। हरि नाम पकड़वा दो, निताय गौर निताय गौर निताय गौर। दो आदमी बहुत पी गए थे, एक सीनियर था एक जूनियर था, नया था तो वो सीनियर तो इतना पीता था फिर भी होश में रहता, और दूसरा जो नया नया था उसने आधी पी लेकिन बहुत बिगड़ गए। ये सब क्या हो रहा तो जो सीनियर था उसको उसने पूछा, जो थोड़ी पी गया, पूछा कि मेरे घर मुझे जाना है, मुझे कुछ नहीं सूझता है, रास्ता बताओ। तो बोले देख तू यहाँ से सीधा चल, मुझे पूछ, मैं गुरु हूँ उस्ताद हूँ। ठीक है बाबा बता, सीधा चल और बाएं वाले रास्ते पर मत चलना, दाएं वाले रास्ते चलना। ठीक है लेकिन सुन ले, दाएं रास्ता है ही नहीं। बोले ठीक से नहीं समझा? ठीक से नहीं समझा, मैं कहता हूं बाएं वाले रास्ते मत चलना, दाएं रास्ते ही जाना, लेकिन कान खोल के सुन ले, तूने थोड़ी पी ली है, दाएं रास्ता है ही नहीं, कहीं बाहर में गया हूं वापस लौटा। ऐसी दशा होगी, क्या बोल रहे क्या हो रहा कुछ पता नहीं। मेरे भाई बहन भगवत कथा पी हैं, गोपीजन गाए हैं, तप्त जीवनम कवि भीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदा ते भूरिया जना जयति ते दिकं जन्मनारज श्रयत इंदिया शरदुदास रे
श्री उषा सुरत नाथ ते गादी की नम्र अपील है अपने परिवारों में अंडे का सेवन न हो, शराब का सेवन न हो, मीट का सेवन न हो। इस देश को कम दिया है दाता ने, भारत को जितनी ऋतु दी है इस इतनी ऋतु कोई देश में नहीं है। हर चीज यहां पकती है, कुछ व्यवस्था में तालमेल नहीं है क्योंकि दिल्ली में खिचड़ी आती है ना, इसलिए कुछ व्यवस्था ठीक हो जाए। क्या कमी है इस देश में मेरे भाई बहन, ऐसा खाओ जो प्रभु को भोग में लगाया जा सके, ऐसा पियो जो प्रभु को भोग में लगाया जा सके। महाराजा को पता नहीं कि कैसे किए क्या, उसने तो सम्मान रख दिया विवेकानंद जी का, तो एक मशहूर नृत्यांगना को नृत्य के लिए निमंत्रित किया, सबने खाया पिया और बड़ी मशहूर नृत्यांगना, उसका नृत्य, और कहते हैं स्वामी जी कमरे में चले गए। दो तीन बार कहा कि स्वामी जी पधारे, आप अतिथि विशेष हैं। बोले नहीं, मैं नहीं आ सकता, ये ठीक नहीं है, हम साधु हैं। उसका कोई वो नहीं, उस हर वक्त करते थे, इसमें एक बहुत मशहूर नृत्यांगना को लाए थे। अब महाराज को हो गया कि क्या करे, उसका अपमान होगा इस नृत्यांगना का कि चीफ गेस्ट आ नहीं रहे हैं, लेकिन मना कर रहे हैं, हम नहीं देखेंगे क्या होगा। दो चार बार समझाया, कहा कि नहीं आप सब देख लीजिए, धन्यवाद, मैं नहीं आ सकता। फिर नृत्य तो शुरू हुआ, उस नृत्यांगना को हुआ कि वो आए नहीं। फिर उसने नृत्य में कुछ ऐसा गाना गाया, वो गाना तो याद नहीं, प्रभु मोरिया, हाँ प्रभु मोरिया, बस वो ही गाया कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ, आप छिप कर बैठे हैं, वो तो सर्वज्ञ है, मैं तो पापी हूँ, आपका चरण तो गंगधार भी छूना चाहती है, मैं पतित हूं, आप तो महान पावन है, आंखों से अश्रु बह जाए। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मोरे। अब देखो ये हवा लग गई ना विवेकानंद जी, तो यही गाना हो, यही भजन उठा, वरना तो कई महफिल में नाची होगी, लेकिन कुछ हवा आ जाती है ना, यही है संत संग का प्रभाव। द्वार बंद थे लेकिन खुशबू निकल गई, और यही गाना में हम संगीतकारों को सुनते हैं, बड़ा रुचि रहती है सुनते हैं, लेकिन हम फिर अगल बगल में कह देते हैं कि संगीतकार कोई गाता है कोई शास्त्रीय संगीत कोई राग, तो उसका घराना पता लगता है ना, या तो वो कह देंगे कि हमारा ये घराना है, लखनऊ घराना, फला घराना, बनारस घराना, फला घराना, तो उसके गान से भी पता लग जाता है कि कौन, लेकिन वो कौन पद चूज करता है उससे उसकी आत्मा का घराना पता लग जाता है कि उनकी आत्मा किस दिशा में मुड़ी। वो हेमंत गा तो तुम्हें कि तू क्या आज छोकरो जो पसंद करे जो पद, इससे लगता है कि वो घराना उसका कहाँ है, उसकी उसकी इसकी दिशा कहाँ है, ये आदमी किसको टच करता है। गोरा पिरानी तमने आण रे, चुडला
सत बोलो वरना मत बोलो। ये पसंदगी जो गायक पसंद करता है, इससे पता लग जाता है कि इनकी आत्मा कहां रमण कर रही है। कला तो रसिक कला है, बंधन में डाल देगी, लेकिन आत्मा की प्रवृत्ति का पता लग जाता है कि उसकी पसंद क्या है, वहीं से पता लग जाता है। हमारे हरि अवगुण चित धरो, एक नदिया एक नार कहावत, मेलो नीर भरो, जब मिल कर के एक बरन भाए, जब मिल कर के का दरवाजा खोल दिया। विवेकानंद जी आ गए महफिल, गादी तकिए पर बैठ गए, सब हैरान थे। महाराज बोले, मैं थोड़ा भयभीत था, रामकृष्ण देव जैसा गुरु हो उसके चेले को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा जागा नहीं था, इनकी आंखों से जो अश्रु गिर रहे हैं इतने पवित्र पानी में कहीं देखा नहीं है, धन्य है। झूम गए, आत्म कृष्ण जागता है तो वासना नर्तकी बन जाती, वो घूमने लगते। बांध कर ना जीए पर घुघर बांध कर, ना जीरे पर घुघर बांध कर। लेकिन जब तक उसकी झलक न मिले तब तक विवेक विरुद्ध कर्म मत करना। मीरा भी नाची थी, वो तो पाने के बाद नाची ताकि उसमें अमृत है। और ये बिल्कुल सही तर्क सही बैठ रहा है कि जिसको मिल जाता है वही नाचता है, नाचने वालों को मिले तो भाई अपना भागमा नो आवे उनसे, केवा बेसुरा नाचे। विवेक विरुद्ध कर्म न करे, लेकिन लोगों को आदत है बस। मीरा का नाम गुजरात में तो लोग कहाँ कोई काम न करे, बिल्कुल प्रमादी आलस सरताज चौरे पर बैठे रहते हैं, कोई पूछे कि कुछ काम नहीं करता, बोले हमारा काम तो नरसिंह मेहता जैसा है। ले नरसिंह मेहता और तू बीड़ी फूकर नरसिंह मेहता बीड़ी पीतो था। हमारा काम तो नरसिंह मेहता बस, हरी हुंडी स्वीकार हवे को, हरी हुंडी नहीं स्वीकार तारी तूंडी तोड़ी नाखी, तारा हुंडा स्वीकार है तो मेरा काम तो नरसिंह मेहता जैसा। फिर बगल में कोई बैठे उसको लाओ तो एक बीड़ी, वो कहे बीड़ी नहीं है नहीं देंगे, तो कहे इस जगत में क्या साथ में ले जाना, दान करो दान करो। ले फिर उसको सलाह देता है,
क्या ले जाना है दुनिया में? उसने कहा ले तो नहीं जाना है लेकिन तू छोड़ भी क्या जाएगा? बांध कर नाची रे किसी संत के संग चलना है और चित्रकूट पहुंचने के बाद भी यदि रस्सी वहां नहीं बंधी तब तक सावधान रहियो, प्रेम पूर्ण दशा नहीं होगी। इससे पहले की यात्रा में चढ़े विवेक जहाज, विवेक विरुद्ध कर्म न करें। क्या सुंदर बात है, हमारी कोई भी क्रिया विवेक विरुद्ध न हो। चाहे तुम्हारा विवेक सफल न होता हो तो भी चिंता मत करो, विवेक है ना। कभी कभी तुम विवेक मई चलोगे और सामने से शायद दूसरा परिणाम मिलेगा तो भी तुम्हारे विवेक को तुम पराजित मत करो। विवेक जहाज पर चढ़े रहो, विवेक छोड़ो मत। जिसको प्रेम पूर्ण दशा में पहुंचना है किसी संत की यात्रा के साथ साथ, इसको वैसे करना कुछ नहीं केवल चलना है, लेकिन उस समय इस यात्रा में इतना ध्यान रखे कोई कर्म विवेक विरुद्ध ना हो। आप जिस तरह दौड़ते हैं भागते हैं पैर पकड़ने के लिए, इधर करने पैर पकड़ने के लिए कि गिराने के लिए खबर नहीं, ये विवेक नहीं। जरा संभालो अपने भाव को। मिलने का पूरा हो जाए तो भी भीड़ भीड़ नहीं, फिर सब धीरे धीरे चले, ऐसे ऐसे आदर्श, एक आदर्श बनाओ, एक शिस्त बनाओ, एक मर्यादा बनाओ। विवेक विरुद्ध कर्म तुम्हारी यात्रा तोड़ेगा। तुम्हारा भाव क्या इतना सस्ता है कि तुम ऐसे ऐसे बिखर दो? संभालो बाप, मूड़ी अर्जित की है उसको बिखेरो मत। बड़ा सुंदर सूत्र है, विवेक विरुद्ध कर्म न करे। दूसरी बात कही स्वामी जी ने, विवेक विरुद्ध बुद्धि से निर्णय न करे। किसी ने पूछा था, एक और बात मुझे याद रही स्वामी जी महाराज की, किसी ने पूछा था कि विवेक और बुद्धि में फर्क क्या, तो कहा विवेक प्रकाश है, बुद्धि दृष्टि है, प्रकाश में ही दृष्टि काम कर सकती है, विवेक के उजाले में ही तेरी बुद्धि ठीक होगी। और विवेक प्रकाश है, रामायण हाँ कहता है, हो ही विवेक मोह भ्रम मोह निशा सब सो निहारा। रात्रि है, विवेक जब हो जाएगा उजाला हो जाएगा, भोर हो जाएगा। आंखें कितनी भी पैनी हो तो विवेक नहीं है, प्रकाश नहीं तो आंखें कहां देख सकती है। कितनी ही आदमी की आंखें बौद्धिक हो क्या होता है? विवेक का प्रकाश। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज पंजरा के उठे नव पल्लव भय बिटप अनेका साधक मन जस मिले। बहुत जरूरी विवेक, शब्द ही अपने आप में बड़ा प्यारा है विवेक। गोस्वामी जी को विवेक शब्द बड़ा प्रिय है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक ओही गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युत अनेक। विवेक बड़ी संपदा है, विवेक तो विवेक विरुद्ध कर्म न करे। विवेक विरुद्ध बुद्धि का निर्णय न करे। निर्णय तो वो है विवेक से भरी बुद्धि में हो। तीसरा, विवेक विरुद्ध विश्वास न करें। बार बार सिर झुकाकर तुमको उठा लेना पड़े
ऐसी जगह विवेकहीन विश्वास न करो। सजदे में सर झुकाया फिर उठना हराम है, हम नजर से पी रहे हैं, ये समा बदल न जाए, तुम झुकाओ ना निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। एक जगह लगी लगी बात, कितनी बड़ी प्यारी बात है। विवेक विरुद्ध विश्वास न करे, भरोसा ही भजन है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ऐसे यदि विवेक जहाज में भरत जी के संग चढ़कर हम यात्रा करेंगे तो छोड़ी हुई दोरी विवेक ठीक से बना रहेगा तो जोड़ पाएंगे, यदि नहीं जोड़ पाएंगे, वहां यहां से छूटी वहां नहीं जुड़ी, तो चित्रकूट में भी माया विमोहित कर सकती है, जानकी जी के उपस्थिति में भी माया विमोहित कर सकती है, उसको जगह मिली और तुरंत हल बोल देती है। नाम मंथरा मंदमती कितना उत्सव मनाया जा रहा था अयोध्या में, और थोड़ी जगह मिल गई तो गई गिरा मती, थोड़ी जगह में अवसर ही न दे उस प्रेम को पाने के लिए जिस प्रेम के बारे में महादेव बोल रहे हैं। हरि व्यापक सर देवता लोग बैठकर विचार कर रहे हैं, उसी सूत्र को लेकर हम भी एक जगह बैठकर पुनर्विचार करें जीवन की गति के लिए। कहां मिलेगा वो, कब मिलेगा, किसको मिलेगा, किस प्रयत्न से मिलेगा, इसके जवाब है मानस के इसी प्रसंग में। इसलिए इस प्रेम सूत्र को लिए हम चर्चा कर रहे हैं। बस बैठो, अच्छा लगता है। मैं फिर एक बार कहूँ कितना कोलाहल है दुनिया में, इन सभी शोर को छोड़कर तुम लोग यहाँ बैठ गए, कोई आवाज नहीं, ये पुनर्विचार है जीवन का। एक कथा से जिसको पाना है बहुत मिल जाता है, यदि पाने के तुम पिपासु हो तो, और पिपासा ही नहीं तो क्या हो, क्या बनता। यहाँ से कुछ गांठ बांध कर जाना मेरे भाई बहन, कुछ करके जाना।
दूसरों को प्रेम देना है। पानी कोई दिखाई देता है जमीन पर, खोदना शुरू करो, निकलेगा। तुमको लगेगा हमारे में प्रेम कहाँ है, देना शुरू करो, नफरत छोड़ दो, देना शुरू कर दो। भाई को, बीबी को, बच्चों को, पड़ोसी को, समाज को, राष्ट्र को देते लगो, जैसे खुदाई होगी प्रेम का झरना स्रोत निकलने लगेगा। लोग कहते हैं हमारे पास प्रेम नहीं, क्या नहीं, तुम संपदा, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। कौन है प्रेम बिना कोई पैदा हुआ है यहां? सबके पास प्रेम, पत्ता पत्ता प्रेम कर रहा है, जर्रा जर्रा, बस उसको बांटो प्रेम से। दो दुनिया को एक ही बात में तो बार बार कि देना सीख जाओ। बस रोज एक व्रत लो कि हमको दान करना, रुपया हो तो रुपया का दान करो, रुपया ना हो तो कोई दान नहीं कर सकते। मुस्कुराहट दो, कहीं लोगों के चेहरे सदियों से हंसे नहीं है, एक दूसरे को मुस्कुराहट सबसे बड़ा। गालिब कहता, गालिब को कोई पूछता कि आप इतने मस्त क्यों हैं, क्या बांट रहे हैं, बोले मुस्कुराहट बांट रहा हूं, दुनिया को माला माल कर रहा। बाबा जी हम लासा थे तो फिर लासा से किताब एक मेरे पास आई, फिर वो तो अंग्रेजी में, तो फिर सीताराम, तो फिर मैंने उसका एक प्रकरण का वो करवाया कि भाई मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया 10-15%, लेकिन वो भाषा भी तो इतनी ऊंची थी, एक तो अंग्रेजी फिर इतनी ऊंची। तो उसमें वो संतों के नाम में भूल गया, उसमें लिखा था चीन में 3 संत हुए हैं, लाफिंग सेंट, हंसते संत, उनके नाम उनके इतिहास में क्या है, हंसते ही रहते थे बस, और कोई साधना नहीं, माला जप ध्यान तप यज्ञ हवन कुछ नहीं, बस हंसते ही, जब देखो बस हंसते ही रहते थे, तीनों हंसते हैं, कोई मिले तो, अब तीनों हंसेंगे तो दूसरे भी हंसेंगे, भले पागल समझ कर भी, लेकिन हंसना शुरू कर देता है, बस हंसते ही हंसते ही जिंदगी भर यही काम किया लोग। और तीनों संत थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। चीन में उसकी प्रतिष्ठा रही इन तीनों को, जैसे इन लोगों ने हंसते बुद्ध बना दिया है, वैसे 3 संतों की महिमा में पड़ रहा था, हंसते ही रहते बस। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, ये जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, हाल गम उनको सुनाते जाएंगे, शर्त इतनी है बस मुस्कुराते जाइए, हंसते। गांव गांव जाते, जैसे धर्म प्रचार करने के लोग, ये तीनों गांव गांव जाते, आओ आओ लोग आए थे, एक ही प्रवचन, एक ही श्रम, कुछ और कुछ नहीं, बस हंसना हंसना, लोग लोटपोट हो जाते, तीनों हंसते थे बस। उसके जीवन में मैंने पढ़ा, हद तो तब हो गई जब 3 में से एक मरा, पूरा गांव एकत्रित हो गया और जो 2 बचे हैं वो हंस रहे, बोले हम इसकी यात्रा को बदनाम नहीं करेंगे, जिंदगी भर जो हंसा उसके समय शोक करना मना है, हंस रहे उसको छू छू कर हंस रहे, अरे प्यारे, अरे भैया तूने क्या सुंदर यात्रा संपन्न की, जीवन भर हंसा और ऐसे ही मुस्कुराता हुआ हंस। गांव को बहुत दुख हुआ, लोग एकत्रित हो गए कि जिंदगी भर जिसने दुनिया को हंसाई ऐसा आदमी गया, तुम उनके दोस्त हो कि दुश्मन हो, तुमको जरा भी शोक नहीं, खबरदार शोक शब्द बोले तो अपमान हो जाएगा इसकी मृत्यु का, ये महाप्रयाण है उसका, हंसो तुम। लाख कोशिश 2 जन व्यक्ति कर रहे हैं, ये लोग हंस नहीं पा रहे, बोले आज तो नहीं हंसेंगे, कितना प्यारा था वो, बोले नहीं नहीं तुम नहीं समझते, हंसो। ये दोनों हंस ही रहे, तैयार हुआ, कपड़े जो उन्होंने पहने थे, गांव लोगों ने कहा और तो कुछ नहीं, ये जो कपड़े पहने वो तो निकलवाओ, दूसरा पहनवाया, बोले नहीं नहीं उसने कहा था हमको कि मैं मरूं तो मेरे कपड़े जो हो वही रखना, अरे ये बिल्कुल नहीं, बोले उनके ये पूरा हमारा रास्ता ही भिन्न है, तो लोग छूने गए कपड़े, बोले खबरदार कपड़े छूए तो, और हद हो गई तब जब उसकी अर्थी ले गए, और जब वो किया तो उसके वो आदमी मरा तब अपने कपड़े में फटाके बांध कर गया, फटाके फूटे हैं
फुल जड़ियां उड़ी। बोले जिंदगी भर हंसाम, मरते समय कोई हंसे, फुल जड़ियां शरीर से उड़वाई, फटाके फूटे हैं, आवाज हुई है और वो दोनों हंस रहे हैं, वो मरने वाला भी सबको हंसाता हुआ चला गया। ये जो ऐसा कुछ सीखो, शक्ल बनाए रखी है अरंडे के तेल पहनकर, क्या कोई मरता है रोज घर में? मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, ऐसा किसी से मैंने सुना है कि हंसता है ना आदमी वो पाप नहीं कर सकता तुलना में, क्योंकि पाप करने में क्रोध होना पड़ता है, पाप करने में हिंसा चाहिए, पाप करने में नफरत चाहिए, पाप करने में तुमको तेजो द्वेष चाहिए, हंसने वाला पाप नहीं कर सकता। अच्छा है, बात जचती है मात्रा में, कोई चाला कोई दांत काट तो जाए लूट तो जाए बात जुदी, उसकी उसको तो उससे तो भगवान बचाए, क्योंकि उससे तो ब्रह्मा भी स्तंभित है कि मैंने ये नमूना क्यों बनाया। नहीं, लोग ऐसे होते, बाकी सही में जो हंसते हैं कैसे पाप कर सकेंगे? मेरे पाप के लिए तो तुम्हें नफरत चाहिए ही, तुम्हें द्वेष रोष चाहिए, तभी तो तुम दूसरे को धक्का दे सकते हो। हंसता आदमी मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, ये जीवन संगीत है सस जाते रहो, जीवन संगीत है स्वर्ष जाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वो सभी का भला ये करो कामना, वो सबका भला भला ये करो कामना, सभी का भला ये करो कामना, वो सभी का भला ये करो कामना, मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई कोई भावना, देने देने नहीं कुछ तकरार में, लेने देने नहीं कुछ तकरार में, प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो, प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो। तकरार के मूल में क्या लेना देना है, क्या है उसमें? मैं विनोद में कहता, पति पत्नी सुबह 7 बजे से लड़ रहे थे, 7 बजे से, और क्रम में प्रति मिनट लड़ाई बढ़ती ही गई, क्षण क्षण नवम नवम, वरना थोड़ा तो विश्राम आ जाता है, बीच में थोड़ा धीरा हो जाता है, लेकिन ये तो बस उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ती गई। 7 बजे से दोनों लड़ रहे, 12 बज गए, पड़ोसी हैरान हो गए, अब पड़ोसियों से नहीं रहा गया तो आए और दोनों को समझाने के लिए, भाई साहब को कह रहे, भैया बताओ तो सही, 7 बजे से लड़ रहे हो, 12 बजे और मात्रा बढ़ती ही जा रही है, तो कारण क्या है, मूल में क्या बात है बताओ? तो पुरुष ने गुस्से में कहा कि ये उसको पूछो, अपनी पत्नी को, और संकेत के उसको पूछो तुम। तो ये पड़ोसी लोग बहन के पास गए, बहन को कहा, बहन बताइए ना, 5 घंटे हो गए 7 से 12, आप इतना कारण क्या है? तो वो गुस्से में बोली, 7 बजे से शुरू हुई थी, 12 बज गए, याद कैसे रहे कहाँ से शुरू हुआ? तुम भी हो पड़ोसी, कैसे सहयोग करो ना, ऐसे पड़ोसी होते हैं, कैसे याद रहे 5 घंटे हो गए कहाँ से शुरू? लेने देने नहीं कुछ तकरार में, लेने देने नहीं कुछ तकरार में, प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो, प्यार के ही
खिलाते रहो। बैठे सुर सब कर ही बिचारा, कहाँ पाई प्रभु करिए मुहार। बड़ा बहुत गंभीर चर्चा हो रही थी उस समय ब्रह्मा की हाजिरी में, और वहां ये समाधान मिला है, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो जब तक इस यात्रा में हम चलते हैं, विवेक विरुद्ध कर्म न करे, विवेक विरुद्ध बुद्धि से निर्णय न करे, विवेक विरुद्ध विश्वास न करे, और चले विवेक जहाज में चढ़कर, ताकि हम पहुंच जाएंगे। और दर्शन कुछ कल करेंगे, आज आइए कुछ क्षण हरि नाम का कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बरसाने।
पार्वती के विवाह की संक्षेप में कथा करेंगे, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास की शादी हो जाए फिर राम जन्म। जब श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में ठीक से बैठ जाए फिर राम जन्म। तो कल शिव पार्वती के विवाह की कथा संक्षेप में, और फिर ठाकुर का जन्म महोत्सव भी कल मनाएंगे। तो आज यहाँ ही विश्राम कर रहे हैं। भाव और श्रद्धा के साथ बोले इससे पहले पवन तनय संकट हरण मंगल पूरति लखन सीता सहित हृदय बसन बोलिए हनुमान जी महाराज। आज का सत्संग विराम ले रहा है, कल फिर आगे सुबह 10 बजे आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए राम चंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
ठाकुर। Thank you.